In a shocking incident, a 17-year-old girl allegedly consumed poison after being sexually assaulted by a man from Budana village in Uttar Pradesh's Muzaffarnagar district. The father of the girl alleges that she was being threatened to take her police complaint back, and since the accused were not arrested, she, under pressure, consumed poison. The girl has been admitted in a district hospital nearby. ये थाना बुड़ाना का गांव है बबाना, जिसमें एक युवती के द्वारा परसों छेड़खानी की बात आई थी, उसके सूचना भी मिली थी। सूचना के उपरांत चौकी इंचार्ज गए थे वहां पर, जिसमें उन्हीं के ही परिवार के सदस्यों के द्वारा और ग्राम प्रधान के द्वारा बोला गया कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, हम इसको देख लेंगे, छेड़खानी की जो भी बात है। तो उसके उपरांत दरोगा जी अगले दिन फिर गए थे कि आप हमें जो भी है तहरीर देनी दे दीजिए, जिसमें मुकदमा कायम कर दिया जाए। इसके उपरांत भी गांव के प्रधान और लोगों के द्वारा, परिवार के लोगों के द्वारा बताया गया कि ये ऐसी बात नहीं है, हम इसमें सुलहनामा करा रहे हैं और इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि FIR की जाए। The girl was alone at home when the man Anandpal entered the house and assaulted her. When she protested, he threatened to kill her. The girl's family had filed a complaint with the police, but even after 2 days, no action was taken against the accused. Victim's statement has been recorded and she is out of danger. पर मुकदमा कायम कर दिया गया था और जो अक्यूज्ड है अनंगपाल, वो उन्हीं के ही परिवार का एक लड़का है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे जेल भेजा जा रहा है। वहाँ पे मेरी बहन चाचा की लड़की अकेली घर में थी और किसी लड़के से बात कर रही थी, तो मैंने उससे ये पूछा कि किस लड़के से बात कर रही हो, उसने मुझे नहीं बता। अच्छा, एक दो बार पूछने से मैंने उसको बोल दिया कि या तो बता दे मैं, नहीं तो मम्मी को बता दूंगा। तो उसने एक रिश्तेदार का नाम बताया और रिश्तेदार का नाम सुनने के बाद मैंने उससे बोला कि ठीक है, रिश्तेदार है, चलो कर लो बात, कोई बात नहीं। इतनी बोल के मैं घर चला गया तो उसकी मम्मी के आस पास पड़ोस में बैठी थी। थोड़ी देर के बाद उसकी मम्मी उसके साथ आई और उसने मेरे ऊपर कुछ गलत आरोप लगा दिए। वो मेरे चाचा की लड़की है, मेरी बहन है, बहन से भी बढ़कर है। मैंने कुछ भी गलत नहीं, ना उसे कुछ गलत कहा, ना कोई गलत हरकत करी, बस केवल यही पूछा था कि फ़ोन कहाँ कर रही है।